आज नयो साल है, सबा नहीं मारा राम राम सा, सबा नहीं प्रणाम। आज जो है अपन हिंदू धर्म रमायने हिंदुस्तान रो नयो साल हो जे, इन वास्ते सबा नहीं आज राम राम सा, सबा नहीं दर्शन भिया। और प्रकाश जी ने भी धन्यवाद है कि माने आज सत्संग में कार्यक्रम में बुलाया चला इन्हें। यूं यारे माता जी दो बार मार्गन वोटे घरे सत्संग भी कराई और बहुत खुश हुए था। क्यों कि युक्ति राम जी महाराज रा शिष्य वे भी यार मैं भी हाँ, तो इन वजह से वे आवता जन बहुत खुश हुए था। और अब परमात्मा जिता दिन राखे जिता दिन रहनो है संसार में। अब महाराज संसार रे मायने सदगुरु सुखराम जी महाराज इन संसार रे मायने आज जो भक्ति दी है, वो जो ज्ञान दियो है, इन मायने सब बातों का खुलासो है कि की भक्ति करना हूँ कटे आप पहुँचो ला। तो संसार में तीन तरह की भक्तियाँ हैं, मायारी जिको तीन लोग तक सीमित है, दूसरी है ब्रह्मरी, ब्रह्म तक है उठो भी संसार में मायने वापिस आना पड़े। लेकिन महाराज फरमायो कि जो केवल री भक्ति करे आ तीसरी है हंगो ऊंची, केवल री भक्ति करिया बचे और जीव जन्म मरण से मुक्ति पाए लेवे। इन वास्ते महाराज फरमायो कि आ केवल री भक्ति सबसे ऊंची है, आ राजयोग है, राज भक्ति है। अब महाराज संसार मायने वाणिज्य मायने तरह तरह से खुलासा करने अपन ने समझाया है कि केवल बीज सतो मार्ग और सहज सतागट आवे, उल्टर हंस चढ़े अगट ऊपर और ध्यान समाधि लागे। अगर आप रामायण सांसो सांस भजन करियो, प्रेम सु भजन करियो और सतगुरु जी महाराज रा वचन सु भजन करियो, क्योंकि सतगुरु जी महाराज रा वचना सु आ चीज फलिया करे। इन वास्ते हरिदास जी महाराज कियो है कि राम नाम सतगुरु मुखीर जीवा तारण जाज, जन हरिदास निज दिन बजे तीन लोग सिरताज। तीन लोग रे ऊपरलो सिरताज है और राम जी रो नाम है। सतगुरु जी महाराज रे मुखार बंसू अगर आप वो शब्द ले बोला तो केवल रो बीज आप रे माई ने प्रगट हो जाला। केवल रो बीज जिन दिन प्रगट हुएगो आप रे माई ने, ओ सतरो मार्ग मिलगो, अमर लोक रो मार्ग मिलगो आपने। और आगे कहीं फरमायो है के केवल बीज सतो मार्ग और सहज सतागट आवे। आप रे रोम रोम रे माई ने इन शब्दरी जागृति भेजा ला। जिन दिन आप रे माई ने केवल रो बीज प्रगट वेगो माने तो भियो जन माने तो एकदम रोम रोम रे माई ने ऐसी मतलब जीवी, तो आ चीज जिन दिन बनगी जन समझ ले को बीज आएगो और अपा अमर लोग निश्चित रूप जाओ लाभ हो सके। कि आपरी भक्ति में थोड़ी घनी अबार जी महाराज लक्ष्मण जी भी कहो कि भाई इन जन्म में नहीं तो अगला जन्म में मतलब वोटे शब्द जो आवेला और वो आगे बढ़ेला और अमर लोक जावेला। तो एक जन्म नहीं तो दो जन्म में भी आप निश्चित रूप अमर लोक जावेला। अपने एक बार आप रे मायने वो बीज आवनो चाहिए संसार मायने, जेड़ो बीज वेला वेड़ी जे आपने फल मिलेला। तो ये तीन तरह की भक्तियां हैं, मायारी, ब्रह्मरी और केवलरी। तो केवलरी जो बीज जिन दिन आप रे मायने आएगो आप रे मायने सह जाए अपने आप रोम रोम रे मायने आ चीज री जागृति वे जाला। और उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर और ध्यान समाधि लाग आप रे जो भजन करनाला है वे ने समाधि लागन लाग जाए। अब इन वास्ते महाराज फरमायो है कि कंठ स्थान हृदय स्थान और ना भी रे मायने जिन दिन शब्द आवेला आप रे रोम रोम रे मायने फैल जाला। और ना भी एक ऐसी जगह है जटे अपना पूरी शरीर की नाड़िया भोजन ले उन्हें आवे और इन नाड़िया रे मायने जिन दिन शब्द पहुंचेला वो पूरा रोम रोम रे मायने और राम राम रो शब्द फैलाए देवे। इन वास्ते महाराज तो फरमायो और जिन दिन त्रिगुटियों आगे पहुंचेला वो समाधि देश। तो अटे महाराज फरमायो कि सिमरो वेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी, सांसो सांस रटो आ रचना राम भजन को दीनी। संत महात्मा फरमावे कि अगर सतगुरु जी महाराज अपन आज्ञा दे दी और भजन कर लियो तो अपनो कार्य जरूर वेला, और अगर आप विलंब कर लियो तो उन सेठ आड़ा रहे मुनिम जी वेला। एक सेठ जी हा
वेने मालूम पड़ गई कि भाई मारे इन जीजरो माल स्टॉक है इन भाव घट जाला। वो आप मुनीम जी ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिखने की और भाई भाव डाउन आने वाला है, मंदी आने वाली है, थे माल निकाल दीजो जल्दी जल्दी भेज दीजो। मुनीम जी चिट्ठी गिर वे कहीं करियो आड़ा में दर ने भूल गया। 5-7 दिन पाजे सेठ जी पाचो मालूम करी रहे भाई माल भेजियो कि नहीं भेजियो, कि मैं तो नहीं भेजियो, अरे भाव डाउन वेगा अबे तो वो घाटो पड़ गो। इन्हीं ढंग से अगर अपने सतगुरु जी महाराज अगर अपने आज्ञा दे दी, भजन करने रीत बता दी, अपना भजन नहीं करियो तो उन बाणिया रे घाटो लागो जी अपने लाग रहा। क्यों कि 21,600 रोज अपने भजन करने वास्ते दिया और अपा वे गमाए दाला तो अपने बहुत भारी घाटो लागेला। इन वास्ते महाराज तो कह के सासो सास रटो आ रचना राम भजन को दीनी, आ राम जी रे भक्ति रे वास्ते दीनी है, लेकिन अपन संसार रे माए ने फिजूल गमारिया। इन वास्ते महाराज तो तरह तरह सु जगह जगह फरमायो है कि अगर अपना कर्म नहीं कटेला तो अपने आगे जमनो रस्तो रुक जाला, तो कर्म काटने वास्ते जा भक्ति है। इन वास्ते महाराज तो क्यों कि 8-64 घड़ी रसना जड़ लागे। सुन पांडे सुखराम के जब तीनों भागे, तीन तरह का अपना ताप है या तीन तरह का कर्म है, ए तीनों ही जदीज भागेला कि 8-64 अपनी रसना चलती रहे, भले उठो बैठो काम करो की करो तो लीव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। तो जिन दिन आप मायने ऐसी लिवलिया लागोड़ी रेवेला आपरा जो भी कर्म है वे कट जाला, नया कर्म लागेला नहीं। और नया कर्म नहीं लागने कारण जीव महाराज एक पद में भी कहो है और उन्होंने सिंपल डे बताऊं कि एक किसान रे 1,000 मण री धान हुई, 1,000 मण धान हुई और वो 100 मण खुद रे खौने रह गयो और 100 मण बीज बहुने रह गयो और बाकी रो है बहुरार मायने डांट दियो कि भाई आगे कोई अड़ी काल पड़ जाए तो वो धान खाने काम आए। अब बरसात अषाढ़ मायने इतनी जोरदार भी कि आदमी मतलब फाचो नहीं तो खेत बा सकियो और जिको 4 महीना इतो ओलरियो बरसात के फाचो नयो खेत जुतियो नहीं, स्टोक रह गयो वो खाए ने फुटे दियो भोजन करने रह गयो और बौरा में हो जाएगा पानी तो बरसियो चारों मेर हेल मेल पानी वेगियो वे बीजन खराब वेगा धान। तो तीनों ही तरह का कर्म काटने वास्ते एड़ी भक्ति करो, रसनारी जड़ी लगाए दो। जो जोरदार बारिश वे जने आपरा तड़ाव ही भरी जा, नदियां ही आ जा, फसल ने भी पानी मिल जा, अपने पीऊ ने भी पानी भेजा, संसार सुखी भेजा, तो भक्ति रे मायने आप तो महाराज फरमावे कि ऐसी जड़ी लगा दो और इन मायने ढील मत करो। क्यों के संसारो कोई भरोसो नहीं है कि आज हान काले नहीं, कई जना तो तेरा दूसरा सुखसान जी महाराज की तेरा दूसरा सांस की आस नहीं, बंदा काये को भरम बुलाना रे, एक आप सांस आयो है वो दूसरो आवेला कि नहीं आवेला कोई भरोसो नहीं है। इन वास्ते महाराज तो फरमावे के विलंब नहीं करिए। यो जग नींद शीश जब उठ्या और सुन सतगुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजनी आ गया सकल बिलानी। तो महाराज तो कहे कि जिको आदमी नींद में सुतो है और सतगुरु जी महाराज की वाणी सुनी और के जा गया तो माया मोह भरम की रजनी, आ अपा जो माया में अड़ू जोड़ा हाँ संसारी आ भ्रम है, आ संसार अपने दिखे वो नाशवान है, अपन शरीर ही नाशवान है, लेकिन अपा इतना भ्रम में कह भाई वो मारो वो मारो, कोई अपना नहीं है और नहीं अपनो शरीर है। इन वास्ते इन महाराज तो सतगुरु जी महाराज रो ज्ञान सुनना जन समझ में आवे कि वो संसार भ्रम है और असली चीज परमात्मा की भक्ति है। वाह गुरा की इमरत वाणी, मर तक जीव जीवाया, होई सर जीत राम के बोलिया, शब्द सरवणा आया। अब गुरु महाराज री जो इमरत वाणी है आ जो है अपने मरियोड़ा ने जीवता करने वाली है। संसार मायने कटे मार्केट में इमरत नहीं मिले, कितना ही पैसा खर्च करो अमृत नहीं मिले। अमृत है तो राम जी रो नाम है, परमात्मा रो नाम है। सतगुरु जी महाराज अपन ज्ञान सु समझाए ना फरमावे के होई सरजीत राम के बोलिया और जिको सरजीत वेगा जिको जागृत वेगा वे राम राम करण लागा।
उब क्या नाव ब्रह्म की अगिया मुख बिच रसना हाले और धवन लगी धीर नहीं बंधे वे शब्द गुरा का साले। अबे भजन करे दूध की कर उपाण आवे एडो उपाण अपना मायने भजन रो और शब्द रो आवे जद अपन मायने वो प्रेम और सतगुरु जी महाराज रे शब्द री मन रे मायने धारण कर ला तो महाराज तो कहेगा उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा आज्ञा कटू ब्रह्म बैराट सो आवे। अपना मायने जो सत शब्द आवे वो ब्रह्म बैराट नो आवे और गुप्त हो जावे गेबो आवे अपन ने दिखे कोनी कोई रो गालियोड़ो आवे कोनी कोई कहे मैं तारे शब्द गाल दू हाँ वो तो ब्रह्म बैराट नो आवे ला और कहीं रियो कि नहीं ये आंगली रो इशारो करियो जी गुण मैं देखियो कई बात है। तो ब्रह्म बैराट सु ओ जो आपन मायने गेबऊ शब्द आईने प्रगट वे इनी विशेषता आई जे संसार मायने गेबऊ कह तो सूरवीर पणा में सूरवीर पणो आवे कोई रे गालियोड़ो नहीं आवे। एक सती रे मायने सत भी है कोई रो गालियोड़ो नहीं आवे उन मायने सती रे मायने सत अपने आप आया करे। उन मायने जद पति रे प्रति प्रेम वे जने बात जड़े यूं ही सूरवीर भी है नी जन किया करे कि भाई के तलवार बाजे जन सूरवीर ने अपने आप ही सूरवीर बना यूं ही भजन री भी आज जो रीत है अपना मायने एडो प्रेम आवेला जन अपना मायने आ चीज जागृत हो जाता। प्रेम आवने वास्ते मन और सुरता दोनों ने इन मायने ऐसी लगाओ और प्रेम वे जने ही अपना मन और सुरता उठने जावे। अपने परिवार में कोई ने प्रेम वे नहीं जन उन मायने सुरता जा भी कोई कहे मारो पति वटे वेला और वो वेला दूर वे तो उन्हें सुरता उठे लागोड़ी रहे यूं ही आप टाबर वे नहीं छोटो बच्चा हूँ प्रेम विशेष वे औरता ने तो वे कहीं करे कि मारो बच्चो भूको रह लाग कि खावे लाग नहीं खावे लाग रोन नहीं रुक जा कभी हेटो नहीं पड़ जा हर तरह से मतलब उन्हें एक वो की काम कर दो वे तो उन्हें सुरता आपने बच्चा मेरे यूं ही जिन्हों प्रेम वे जन राम जी की भक्ति में आगे प्रेम रही अपने आप सुरता बटी ने जेवे इन वास्ते महाराज तो एक पद भी फरमायो है धोबिया के धोबिया रे दरगाह में जानो मो ये धोबिया रे दरगाह में जानो मो साहिब जीरा दर्शन करना साहिब जीरा दर्शन करना रहना ऐसन मुख हो ये रहना ऐसन मुख हो ये धोबिया रे दरगाह में जानो इटे धोबी महाराज मन ने फरमायो के हे मन थने दरगाह मतलब अमर लोक जानो है परमात्मा रे घरे जानो है थने साहिब जी रा दर्शन करना है परमात्मा रा तो सन्मुख वे जा तो सन्मुख मन सन्मुख वे जन वे अपन कोई रे मुंडा के बैठा और अपनो मन ठाणे नहीं है तो वो सन्मुख नहीं है। इन वास्ते मन ने महाराज फरमायो के हे धोबिया दरगाह में जानो है साहिब जी रा दर्शन करना है तो सन्मुख वे जा। दो पांचों बस्तर दो यज बेगा पांचों बस्तर दो यज बेगा ढीलन कीजे जाए ढीलन कीजे पटक पिछाटर ऐसा धोई पटक पिछाटर ऐसा धोई मिल रहे नहीं माए मिल रहे नहीं माए धोबियारे दरगाह में जानो मो ये
बियारे दरगाह में जानो मोर। तो महाराज फरमावे वो पांच तत्वों शरीर है, पांचों वस्त्र इन्हें धो लो और इन मायने मेल है काम क्रोध लोभ मोह माया, ए मेल निकालो साफ करो तो ओ मन ने जो मन अपनो है नी ओ इंद्रिया अपना कने एड़ा एड़ा काम करावे काम क्रोध लोभ मोरा। इन वास्ते इन मन ने ही समझायो कि तू इन मायनो मेल ने काट दे काम क्रोध लोभ माया ने काट दे और राम जी री भक्ति कर। तो धोबी धोबण धोवण चालिया धोबी धोवण धोवण चालिया पूर्व दिशारी बाट पूर्व दिशारी बाट अरदय उरद का मार पिछाटाय अरदय उरद का मार पिछाटा नाभ कंवर के गाट नाभ कंवर के गाट धो बियारे दरगाह में जानो मोय। अब महाराज फरमावे के हे मन अब तू सुरता रो हाथ कर ले धोबी ने धोबण। मन तो है धोबी सुरता है धोबण दोनों ही हाथ हो जाओ और चलो पूर्व दिशा री बाट के पूर्व दिशा अपने महाराज फरमावे के जो सूरज पूर्व में उगे जो अपनो राम रो नाव भी मुंडो में ले वो पूर्व दिशा आई जाए मुंडा सु ले कंठ सु ले हृदय सु ले आ पूर्व ओ पूर्व रा कमल छेवी छेदना है अपन है तो ए मतलब पूर्व दिशा की बाट है। और अरद उरद का भजन रीत भी फरमाई है साथ में कि अरद उरद का आवता सास और जावता सास दोनों सुई मतलब जो है जो धोबी पिछाड़ लगावे नहीं कपड़ा ने धोवे और मेल निकाले जो इन अपना मायने जो मेल है इन्हें साफ करने वास्ते महाराज फरमायो आ रीत है कि अरद उरद का मार पिछाटा नाभ कमल के घाट ओ सीधो शब्द जाए ने नाभि रे मायने टकरावे संसारी दौड़ भी नाभि तक है। तो आगे महाराज फरमावे के रंग रे जा तू आवज बेगो रंग रे जा तू आवज बेगो पाचा के रंग दिराय पाचा के रंग दिराय ऐसो रंग दरक दे रे भाई ऐसो रंग दरक दे रे भाई बोरन उतरे को ये बोरन उतरे एको ये धोबियारे दरगाह में जानो मोय। अब मन और सुरता ने तो भक्ति में लगाई दी और आगे चित ने भी महाराज फरमायो है कि भक्ति रे रंग में रंग दे और चित कहे नहीं कि चित चाड़वे और मन मालवे तो चित ने ठाणे राखो और भक्ति में रंगाइडो राखो चित ने। तो महाराज कहे के हे चित तू तो रंगरेजो बन जा रही ने माई ने पांचा नहीं है नी भक्ति में एडो रंग दे के रोम रोम में भजन विहुन लाग जा पूरो शरीर ही भजन करन रुक जा सुबह उठा तो ही भजन दिन रे उठा तो ही भजन भले घरो काम करो तो ही भजन आ मुखार बंद रहे तो वही तो काम है के कह तो भोजन करनो और के भजन करनो। इन वास्ते आप तो कोई भी काम करो लेकिन लीव लागोड़ी रखो भजन में मायने। तो इन वास्ते तो सदगुरु सुखसाण जी महाराज भी फरमायो है कहीं के पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजे रे मना मुक राम रटी जे रे पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजे रे मना मुक राम रटी जे रे
ना कोई घासे जी बड़ी रे ना कोई लागे दा ना कोई पंत निहारण रे बंदा कि मैं नहीं सिमरे राम मना मुख राम रटी दे रे। हे महाराज फरमावे के मन तू इन बात ने समझ, कहीं समझना है कि राम जी की भक्ति कर आ थाने फ्री में मिल रही है बिना खर्चे बिना जीव घसिया। आप दूजी चीजा में कटे कोई चीज लेनी जाओ पैसा लागे, लेकिन राम जी की भक्ति रे मायने आपने मुखार बंधु भजन करिया जाओ, नहीं तो दाम लागेला और नहीं कोई जीव घसी जेला कि तो ही भजन कर लो आपने जीव रो की नहीं बिगड़ेला। फचे महाराज फरमावे के कोई रो इंतजार भी करने जरूरत को नहीं है कि मैं भजन वो आए जने करूं, भजन आप कने करो जब ही उठो संभव भजन करो, याद आवे जने भजन करो, सुख दुख रे मायने भजन करता रहो, दुख तकलीफ सब मिट जाई। इन वास्ते महाराज तो कहे भाई के काया माया पावणी रे और कन्या घर हो राख्योड़ी नाही रहे रे बंदा उठ चले पत खो ये पढ़ियो जस क्यों नहीं ली दे रे। आप पड़ी हुई चीज मिल रही है फ्री रे मायने आपने लाद रही है तो भजन क्यों नहीं करो, भजन कर लो। इमेज सार है महाराज तो तरह तरह से संतान ने समझाए ने फरमाई दियो है। अब अपनो काम है कि जिकी चीज अपन सुनिया इन्हें धारण करनी है। इन वास्ते महाराज तो उन पदरे मायने लाज साकी कहीं फरमाई है के मनवो धोबी सुरता धोबण चितरंग रे जो माय चितरंग रे जो माय के सुख देव जी ए तीनु मिल कर के सुख देव जी ए तीनु मिल कर कसरन रागी को ये कसरन रागी को ये धोबियारे दरगाह में जानो मो साहेब जीरा दर्शन करना साहेब जीरा दर्शन करना रहना ऐसन मुख हो ये रहना ऐसन मुख हो ये दो बियारे दरगाह में जानो मो। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमावे के आप रो मन सुरता और चित अगर भक्ति में लगाई दियो तो बचे कोई कसर नहीं रहला। आप निश्चित रूप उन अमर लोग जाओला परमात्मा रा दर्शन वेला। आ महाराज तो अपन इन पदरे मायने समझाया अमर लोग तोरे बंदा वे हंस जासी आनंद लोग तोरे बंदा वे हंस जासी सतगुरा जीरा गुण गावे वे मापुर सारा जस गावे वे मिलिया तो हर सभी थड़िया उदासी ही ओ छिल छिल आवे बे ही ओ छिल छिल आवे बे अमर लोग तोरे बंदा वे सत स्वरूप मिलन को सत है ओ प्रेम नेम बिना बारी बे ओ
ओ प्रेम ने मैं बिना मुश्किल बे लागी रे चोट सबद कीर्तन में लागी रे चोट सबद कीर्तन में विसर गई सुद सारी बे विसर गई सुद सारी बे अमर लोग तोरे बंदा वे अंस जासी सतगुरा जीरा गुण गावे बे मापुर सारा जस गावे बे मिलिया तो हर सभी छड़िया उदासी इयो चिल चिल आवे बे इयो चिल चिल आवे बे। तो बारा सतगुरु जी महाराज इन पद में परमावे है के अमर लोग वे लोग जावेला वे संत जावेला वे हंस जावेला के जिन्ने एडो प्रेम वे के मिलिया तो हरस बिछड़िया उदासी और हमेशा संत महात्मा रा गुण गावे माँ परसा रा गुण गावे कोरो मुंडो ही नहीं उन्हें धारण भी करना है गुणा ने गुण गावना मतलब वे में जिको गुण है जिको अपा ही गाओ अगर अपा नहीं गावा और कोरी महिमा ही करा तो काम नहीं चलेला। रामायण पढ़ो आप और रामायण रे माई ने कहीं जी रे जीका जीका रामचंद्र जी रा गुण आ नहीं लेवा फाचा आए ने झूठ बोल जन रू जावा कने की करण रू जावा तो वह रामायण पढ़ियोड़ी नहीं पढ़ियोड़ी बराबर है। यूं ही भक्ति की बात सुनन समझ ने एडो प्रेम नहीं लावा तो इन वास्ते क्यों के सत स्वरूप मिलने को सत है पर प्रेम नेम बिना मुश्किल है। अगर आप में वो प्रेम नहीं है नावरी भक्ति नहीं करी तो मुश्किल है। लागी रे चोट शब्द की तन में और बिसर गई सुध सारी में आप रे ऐसी चोट लागनी चाहिए शब्द री संत महात्मा फरमायो और वह चोट लागता ही आप तो धारण कर लो जीव की कर के दादू जी महाराज रा शिष्य विया किया मुसलमान हानी रजब जी तो रजब जी ने जब मिलिया दादू जी महाराज अर कियो कि रजब थे गजब की आया तो हरि भक्ति करने आने थे कटे वे नरकरी ठोड़ कर रिया हो के जट वे तो है जी शादी घोड़ा उतर और संत बनकर भजन करने लागा दादू जी महाराज ने गुरु बनाई लिया एडी शब्दरी चोट लागनी चाहिए कि आप सुनी इन ज्ञान ने और आप सब काम छोड़ने उन भक्ति रे मायने ध्यान लगा दियो उमें सुरता राख दी तो यूं ही महाराज कह के लागी रे चोट शब्द की तन में बिसर गई सुध सारी बे। आगे महाराज फरमावे के लाख बात की एक बात है प्रगट के उरे बजाई बे प्रगट के उरे बजाई बे सतगुरा जी सुमन दूजन लागो सतगुरा जी सुमन दूजन लागो जद बण सी गट माई बे जद बण सी गट माई बे लागी रे चोट फाच बोलन लाग अमर लोग तोरे बंदा वे अंस जासी सतगुरा जीरा गुण गावे बे मापुर सारा जस गावे बे मिलिया तो हर सभी छड़िया उदासी ज्या गुरा संग नाम घट जागे वे सत गुरु सिर धारो बे वे सत गुरु सिर
दारो वे ज्ञान ध्यान हद कागरु जूटा वे सब दूर भी डारो बे वे सब दूर भी डारो बे अमर लोग तोरे बंदा वे अंस जासी सतगुरा जीरा गुण गावे बे महापुर सारा जस गावे बे मिलिया तो हर सभी छड़िया उदासी इो चिल चिल आवे बे इो आवे बे अनंद लोग तोर बंदा वे अंस जासी के सुख राम जी सोई जन साचा साचा सत गुरु जोई बे साचा सत गुरु करणी बिना नाम घट जागे करणी बिना ओ नाम घट जागे अखंड उजाला होई बे अखंड उजाला होई बे आनंद लोग तोरे बंदा वे अंस जासी राम। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज में फरमायो है कि भाई जिका सदगुरु तो संसार में ज्ञान रहा तो गणे ही है, जिकना घट में नाव जगाए दे अपने वे है सदगुरु, बाकी तो है ज्ञान रा गुरु, लेकिन जो नाव जगावे वे सदगुरु सिर धारो, वे नाव जगाई तो महाराज लास्ट में कहीं छाप में के वही जिस जो है जन सही साचा है सोई जन साचा के साचा सतगुरु जोई भी सच्चा सतगुरु ने जो वेणो शरणो धारण करो तो कटे मंदिर जाऊनी जरूरत कोनी, कटे हाथ जोड़नी दूजी करनिया करनी जरूरत कोनी। महाराज तो कहे के करनी बिना नाव कट जाए, आप तीर्थ जाओ ए करनिया में आवे, पूजा पाठ करो ए करनिया में आवे, लेकिन जिन दिन आप रमाय ने नाव जागो उन दिन करनिया री जरूरत कोनी, वे अखंड उजाड़ो आप रमाय ने वेजे रोम रोम रमाय ने नावरी जागृति वेजाला, एडो मन में प्रेम एडी भक्ति एडो सुरता ऐसो मन लो राम। अबे सतगुरु सुखराम जी महाराज जो फरमायो है आप भी समझ ने धारण कर जो, और मारी तो खुदरी तबियत ठीक नहीं फिर भी प्रकाश जी मनवार करी दो बार जने आएगा हाजिर दे दी, आपने सत्संग सुनाई दी मारू वेजड़ी मारू वेजड़ी कोई भूल चूक तो माफ कर जो राम। अबे संत महात्मा पधारी ओड़ा आपने सुनावेला।